नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इतिहास के और उनके आंसर्स हिस्ट्री जी के देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी तक इस तरह के हम लोग 400 क्वेश्चंस करीब ख़त्म कर चुके हैं। 401 क्वेश्चन से हमें बात करनी थी। तो 401वां क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे आपके कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। 401वें क्वेश्चन में आपका क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 402। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये थे आपके कुंवर सिंह। दूसरे का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 4, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मड़ी कड़िका। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 5, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये थे आपके मंगल पांडे। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 6वां, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। क्वेश्चन है हमारा 7, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? याद रखना, लखनऊ में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 8, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? तो ये थे आपके श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन है हमारा 9, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल साहब। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल साहब। क्वेश्चन है हमारा 10, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? तो आपको बता देना है, सत्य शोधक समाज की। किसकी? सत्य शोधक समाज की। डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय के शासनकाल ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया? तो ये था आपका लॉर्ड रिपन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 12, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन कर रहा था? ये था आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में। 12 में आपका डी। क्वेश्चन है आपका 13, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में? क्वेश्चन है 14, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका लाला लाजपत राय। क्वेश्चन है हमारा 15, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। 1874 में आपका खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन है हमारा 16, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार। मालाबार में आपका मोपला आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन है हमारा 17, पागलपंती विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का? 7 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 8, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा
19 नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन है हमारा 20। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये था आपका अकबर। सी ऑप्शन सही है। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में आपका अकबर शासक था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 21। क्वेश्चन है 21 क्या है? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये थे आपके फ्रांसीसी। 21 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 22। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के किस ग्रह से स्थापित किए? वह था आपका जहांगीर। ये आपका क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन सभी गलत हैं, क्योंकि क्या पूछ रहा है? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन सा है? राजपूत का ग्रह पूछ रहा है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो आपका अकबर, इसने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध आंबेर के सूर्यवंशी कच्छवाहा राजपूत राजा भारमल की पुत्री के साथ विवाह किया था। ठीक है, किसके? कच्छवाहा राजपूत के। ठीक है, आंबेर के। तो क्वेश्चन हमारा 23। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। 23 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 24। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो याद रखना 1921 में। 1921। क्वेश्चन है हमारा 25। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 26। क्या है क्वेश्चन? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। क्वेश्चन है हमारा 27। क्या है? पिलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना, पिलासी की लड़ाई में अंग्रेजियों का सेनापति कौन था? सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और फिर जब आपका बक्सर हुआ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था आपका हेक्टर मोनरो। क्वेश्चन है हमारा 29। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंक। क्वेश्चन है हमारा 30। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। क्वेश्चन है हमारा 31। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन है हमारा 32। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव। बी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 34वें क्वेश्चन। रणजीत सिंह किस मिसल
से संबंधित थे, तो ये थे सोकर चकिया। क्वेश्चन हमारा 35, किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, क्वेश्चन है 36, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो 1799 में। क्वेश्चन है हमारा 37, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो याद रखना है अवध को प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन है हमारा 38, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? आशीर्वाद से, तो ये थे आपके गुरु अर्जुन देव। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 39, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये थे आपके सिराजुद्दौला। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 40, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक में, मेन उद्देश्य उनका यही तो था, आर्थिक लूटना। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई? तो ये था आपका जॉर्ज क्लार्क। क्वेश्चन है हमारा 42, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अवमान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपके थे दादाभाई नौरोजी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 43, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी थी लाहौर। 43 में आपका डी, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 44, गोद पिता पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन है हमारा 45, भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ये था आपका जमींदारों ने, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 46, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये थी आपकी बंबई। ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 47, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा वागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में? क्वेश्चन है हमारा 48, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये था आपका लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना हुई थी आपकी लॉर्ड रिपन की, ठीक है। तो याद रखिए नियमित जनगणना आपकी 1881 से हुई, 1872 से आपकी जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। क्वेश्चन है हमारा 49, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 50, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। क्वेश्चन है हमारा 51, धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव।
क्वेश्चन है हमारा 52। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन है हमारा 53। मुक्तता किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो आपको बता देना है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है हमारा 54। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 50। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरो जियो। क्वेश्चन है हमारा 56। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो आप था आपका राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है हमारा 57। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। क्वेश्चन है हमारा 58। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। क्वेश्चन है हमारा 59। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन है हमारा 60। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये था गुरु राम सिंह। इकसठ क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लोटू का नारा दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने, ठीक है? इसमें नहीं है ऑप्शन, ठीक है? तो याद रखना है दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन है हमारा 62। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो ये था आपका दादू मियाँ। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो ये था शिवनारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन है हमारा 64। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज आपका एक ईश्वरवाद पर सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन है हमारा 66। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके आत्माराम पांडुरंग। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 68। पांड साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरे। क्वेश्चन है हमारा 69। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 70। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 71। निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन है हमारा 72। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाली। क्वेश्चन है हमारा 73। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। क्वेश्चन है हमारा 74। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925। क्वेश्चन है हमारा 75। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए?
शिकागो। क्वेश्चन हमारा क्षेत्र, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन है 77, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे शिवदयाल साहब। क्वेश्चन है हमारा 78, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 79, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर। क्वेश्चन है हमारा 80, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन है 81, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? मूल शंकर। क्वेश्चन है हमारा 82, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में? क्वेश्चन है हमारा 83, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। क्वेश्चन है 84, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। 84 में आपका ए है। क्वेश्चन है 85, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये था आपका मीर कासिम, मीर जाफर नहीं, मीर कासिम। बी ऑप्शन 85 में सही है। क्वेश्चन है 86, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन ने। 86 में आपका डी है। क्वेश्चन है 87, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह। क्वेश्चन है 88, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप। क्वेश्चन है हमारा 89, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ये थी हुगली। क्वेश्चन है 90, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। क्वेश्चन है हमारा 91, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होता था? तो ये था आपका बिहार। क्वेश्चन है 52, किसने कहा था कि कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांट डप ने। क्वेश्चन है 93, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 94, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। क्वेश्चन है 95, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। क्वेश्चन है 96, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे? शिवाजी के। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 97। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। क्वेश्चन है 98। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 99। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाएं द्वारा फैला? किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 500। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। किसका? गुजरात का। तो चलिए, ये थे अभी तक हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस के करीब देख चुके हैं। 501 से हम लोग आगे बात करेंगे।